डबरी तालाब बचाना है, डबरी तालाब बचाना है, रावण भाटा मैदान बचाना है, मैदान दलाल मुर्दाबाद। इस वक्त राजधानी रायपुर में है और यहाँ का जो पारा है वो करीबन दिन में पारा है वो 45 डिग्री के आसपास पहुँचता है और लगातार गर्मी से जो डॉक्टर हैं वो बचने की हिदायत सलाह दे रहे हैं, लेकिन जो चिलचिलाती धूप में लोग जहाँ यहाँ चल नहीं पाते वहाँ इस वक्त देख पा रहे होंगे एक शख्स हैं, इनका नाम है उमेश बिसेन, ये दंडवत यात्रा कर रहे हैं और जो भाटा गांव मैदान है वहाँ से इन्होंने अपनी दंडवत यात्रा प्रारंभ की है। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये क्यों दंडवत यात्रा कर रहे हैं और कहाँ तक ये जाने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी दूर से दंडवत यात्रा करते हैं, इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताएंगे क्यों दंडवत यात्रा कर रहे हैं आप? दंडवत यात्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डबरी तालाब यहाँ नज़दीक में वार्ड नंबर 64 पे, जिसको प्लानिंग से सम्मानी मनोज वर्मा जो पार्षद है, सम्मानी मनोज वर्मा जो पार्षद है वो पाट रहे, वो आप कचरा फिकवा के पाट रहे, नगर निगम जेसीबी से पाट रहे, प्राइवेट जेसीबी चुपके से पाट रहे, जबकि वो विधानसभा जब क्वेश्चन हुआ था रावण भाटा सुरक्षा समिति के द्वारा तो उसमें बताया गया कि तालाब है वेटलैंड है, तो वेटलैंड को पाटा नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट के डीड के अनुसार, तो उसको एक रास्ता बनाने के नाम पर और वहाँ पर प्लाटिंग करने के नाम पर, चूँकि वो दान की भूमि का तालाब है और उसको नहीं पाटा जा सकता, पर कहीं ना कहीं भूमाफिया दलाल इसको प्लानिंग से रणनीति के तहत पाट रहे हैं, जिसका विरोध रावण भाटा समिति करती है, मैं गौपुत्र उमेश बिसेन भी करता हूँ, समस्त यहाँ की जनता, क्योंकि गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, धमकाता है चमकाता है, यहाँ नहीं रहने दूंगा बोलता है, उसके लोग सामने नहीं आते, पर मेरी भी है कि तू मेरे को भगा के दिखा या मेरा बिगाड़ के दिखा, मैं तो इसके जो भी गलत कार्य करेगा उसका विरोध करूँगा, क्योंकि रावण भाटा मैदान में स्वयंभू अध्यक्ष बन के बैठा है, उस मैदान में भी दलाली कर रहा है, उसमें महिंद्रा ट्रेवल, जबकि डीड के अनुसार किसी ट्रेवल्स को नहीं दे सकते, महिंद्रा ट्रेवल्स वहाँ पे रात दिन कब्जा करके बैठा है, वहाँ पे जेसी वाला कब्जा करके बैठा है, वहाँ रेत वाला कब्जा करके बैठा है, मैदान को भी गलत तरीके से वो किराए में दे रखा है, जो कि गलत है, जिसका विरोध आम जनमानस और रावण भाटा समिति करती है और पुरजोर विरोध हमेशा करती रहेगी। कहाँ कहाँ तक जाने वाले हैं अभी आप दंडवत यात्रा? हम लोग रावण भाटा चौक से नगर निगम कमिश्नर तक जाएंगे, उनको सच्चाई से अवगत कराएंगे और उन्होंने कमिश्नर से मेरी खुद दूरभाष से बात हुई है, उन्होंने कहा अपने ज्ञापन व्यवस्थित बना के दो ताकि हम इसको जांच करवा के सुरक्षित कार्रवाई करा सकें। मान लो नगर निगम इनके प्रभाव में आता, राजनीतिक प्रभाव में आता है, तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, कोर्ट में भी हमने तैयारी कर रखी है, इधर नहीं होगा तो कोर्ट से हम इसको रोक के रखेंगे और जो स्वयं वो अध्यक्ष रावण भाटा समिति जो दशहरा समिति बनाए 10 साल से इसको हटा के रखेंगे, क्योंकि उसकी आड़ में एक बड़ा धन अर्जन का केंद्र रावण भाटा मैदान बना है, वहाँ बहुत से दलाल लोग बैठे, वहाँ से हटा के एक सुरक्षित समिति बनाना है ताकि वहाँ पर उस मैदान की दलाली ना हो, मैदान सुरक्षित बच जाए। अभी जो धूप है उस पारा कहीं कहीं ना कहीं 45 डिग्री तक पहुंच पा रहा है, लोग पैदल नहीं चल पा रहे सड़कों पर, आप दंडवत यात्रा कर ले रहे हैं। प्रकृति माता का आशीर्वाद और गौ माता का आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना है, मैं आज से ही हमेशा दंडवत यात्रा पद यात्रा करते आ रहा हूँ और ऊपर वाला जब साथ में हो ऐसे गुंडे मवाली कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ रणनीति रहेगी इसकी, अगर आज आपकी बात वहाँ पूरी नहीं होती, मांग पूरी नहीं होती, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति यही कि जिस प्रकार से कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी ने बात की है, मुझे ऐसा लगा कि वो सुलझा देंगे जिस हिसाब से उन्होंने बात करी। मान लो वो दबाव में आते, क्योंकि सम्माननीय सुना है कि सम्माननीय महापौर से आदरणीय सम्माननीय उपनेता मनोज वर्मा की जबरदस्त सेटिंग है, दोनों का तालमेल मिला के, क्योंकि जब ये सड़क आप देख सकते हैं कि पेड़ कट गए, 200 साल पुराना पेड़ पीपल का पेड़ कट गया, पर मनोज वर्मा घर को आँच नहीं आई, वो तो नुजुल भूमि बना है, उसको तो ईडब्ल्यूएस मकान मिल जाना चाहिए, टूट के मिल उसको वो नहीं, पर जो उस घर से कुछ फ़ायदा नहीं है, पर जो पेड़ कटे उससे ना 1000 गुना फायदा है। तो प्रथम दृष्टा उसका घर टूटना था, पेड़ नहीं कटना था, उसको सर्विस रोड के बीच में ला देना था, क्योंकि हम उस उतरा पेड़ जिंदगी में नहीं कभी नहीं कर सकते, मनोज वर्मा तो कभी जिंदगी नहीं कर सकता, पर उस पेड़ को प्राथमिकता बचाने की थी, इन्होंने अपने पूर्वजों की निशानी को काटने के लिए सहमति दी, पर अपना घर को जो नुजुल भूमि बना है, जो टूट सकता है, जिसके बदले में ईडब्ल्यूएस मकान मिलने वाला है, वो उसको ना लेने के चक्कर में मकान तोड़ने नहीं दिए। अभी संख्या आप लोगों की 10-15 दिख रही, क्या लगता है निगम तक भारी संख्या में आप लोग जुट पाएंगे? हमको पांडव की सेना होना, कौरव की सेना नहीं, 5 पांडव काम के जो इस चीज़ को समझ सकते, लोग डरे हुए हैं, सम्माननीय जो पार्षद महोदय बहुत गुंडा प्रवृत्ति के हैं, धमकाना चमकाना, गुंडों के साथ रहना, पार्टी करना, मुर्गा पार्टी देके लोगों को बरगलाना, दुनिया से को बरगला के मुझे फेसबुक के माध्यम से धमकी देना, ये उनका करता, लोग बेचारे सीधे साधे रोज कमाने वाले के सामने, पर सबका मानसिक रूप से सहयोग है, सबने आशीर्वाद दिया है कि बेटा सफल हो गए और एक समय यही जनता इसको हरा के दिखाएगी। पूर्व में आपने भी तालाब के पास भी आंदोलन किया था, क्या कुछ असर देखने को नहीं मिला क्या? शासन प्रशासन जांच नहीं किया? नहीं, शासन ने रोका, शासन को तो मालूम ही नहीं चुपके से पाट रहे कर, शासन को खुद कमिश्नर बोला मुझे नहीं मालूम, खुद जोन कमिश्नर बोलता है 4 का मुझे नहीं मालूम, जब आपको नहीं मालूम मतलब पार्षद अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, सीधी सी बात है,
वो एक तरफ दिखा रहा है कि प्रकृति प्रेमी हूँ, दूसरा दिखा रहा है कि प्रकृति द्रोही है। एक प्रकार से कहा जाए कहीं ना कहीं शहर का जो वाटर लेवल है वो और नीचे जाता जाए तो तालाबों का जो पार्टनर है ये मुख्य वजह हो सकता है क्या? ग्रीष्मकालीन समय है, ग्रीष्मकालीन समय तो बोरिंग करना मना है, ये तो तालाब पाट रहे सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए, जमीन बेचने के लिए, पैसा धन अर्जित करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए जो इनसे बनता है ये करते हैं, क्योंकि वो बाहुबल धनबल के ये धनी हैं या किस्मत के धनी हैं, उसका उपयोग बहुत अच्छे से करना जानते हैं। ठीक, तो मुख्य मांग जो आपकी जो तालाब पाटना है उसको बचाना है। 5 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि रावण भाटा में जो अवैध तरीके से निर्माण रुके, वहाँ पर अवैध कब्जा हटे, वहाँ की समिति भंग हो जो फर्जी समिति है। दूसरा, ये तालाब को बाउंड्री सुरक्षित की जाए, क्योंकि तालाब में कब्जा भी हो रहा है, कचरा भी डाला जा रहा है, कचरे के माध्यम से पाटा जा रहा है। तीसरी मांग है कि जिस तरह से पेड़ कटे हैं, अभी पेड़ बच सकते हैं, उस पेड़ को डिवाइडर में ला दिया जाए, जो हमारे यहाँ के पूर्वजों की देन है, तो बचाया जा सकता है, फिर से उसमें शाखाएँ खिल जाएगी, क्योंकि लोगों ने उसका पूजन किया, वहाँ दिया जलाया है, जहाँ पूजन होता है उसको कैसे हमारी आस्था काटोगे? तो कैसा ये हिंदुत्व, हमारे हिंदूवादी नेता बनते हैं, पेड़ कट रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा? मुझे दर्द हुआ तो मैं तकलीफ देके अपने आप को जा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, जीव प्रेमी हूँ, गौ प्रेमी, मुझसे जो बनता है मैं करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर ये तो हिंदूवादी नेता बताते, हिंदू तो मतलब प्रकृति प्रेमी, ऐसा हिंदू तो इनके अंदर में है क्या जो पेड़ कट रहे हैं पर अपना घर बचाना पहले प्राथमिकता है? तो ऐसे नेताओं को तुरंत बर्खास्त, पार्टी बर्खास्त कर देना चाहिए और नगर निगम से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ उमेश बिसेन जी, जो दंडवत यात्रा करते हुए जो रावण भाटा चौक है वहाँ से नगर निगम व्हाइट हाउस जाकर जो आयुक्त हैं उनको ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। 5 सूत्री इनकी मांग है, जो तालाब जो पाटा जा रहा है उसे बचाना है, साथ जो पेड़ काट दिया गया है वहाँ डिवाइडर सहित अनेक जो 3 मांग है उनको लेकर ये दंडवत यात्रा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन जो ये ज्ञापन सौंप रहे हैं इसके उस पर क्या कार्रवाई करती है, जो भी इनकी मांग है वो कब तक पूरी हो पाती है। रायपुर से N24 के लिए मैं सोनी मालाकार।